हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सना और आज मैं आपके साथ हलवाई स्टाइल आलू गोभी और मटर की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बिल्कुल हलवाई जैसी सब्जी आप घर पे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हलवाई स्टाइल आलू मटर और गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में लिया है 2 सर्विंग स्पून के बराबर ऑयल। इसको अच्छी तरीके से मैं गर्म कर लूँगी और गर्म करने के बाद इसमें मैंने आलू और गोभी को काट करके डाल दिया है। पहले गोभी को अच्छी तरीके से धो लेना है, हल्के गुनगुने पानी में डाल के रख दें थोड़ी देर, तो अच्छे से वॉश हो जाती है। और आलू को भी मैंने धो करके डाला है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है आलू को। अब इसको फ्राई कर लेना है, दोनों चीज़ों को एक साथ फ्राई कर लेंगे। गोभी और आलू दोनों के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्राउन स्पॉट्स इस पर नज़र आने लगे हैं, गोभी पे अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अब इन दोनों चीज़ों को निकाल लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, 1 प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, और 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का, और लहसुन ले लिया है 6-7 के लिए। इन सारी चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे मिक्सी के जार में डाल करके। देखिए मैंने बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया है। इसके बाद बचे हुए ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल निकाल दिया था मैंने। इसके बाद इसमें 2 हरी इलायची, 3 लौंग, 3 तेज़पत्ते, 2 एक छोटी चम्मच जीरा, ये सब चीज़ें ऐड करेंगे। मसालों को थोड़ा सा चटकने देंगे, इनका फ्लेवर जो है ऑयल में अच्छी तरीके से रिलीज होने देंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से ऑयल में आ गया था। इसके बाद मैंने जो पेस्ट बनाया था टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक का, वो इसमें डाल देंगे। और अब इसको अच्छी तरीके से भूनना है, तकरीबन 4-5 मिनट इसको अच्छे से भूनना है। मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें है नमक 1 छोटी चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसालों से ऑयल सेपरेट होने तक इसको मीडियम हाई फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं, ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो अभी इसमें हम मटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप मटर ली है, तो छील करके वॉश करके ऐड करना है। यहाँ पे हमने 1/2 कप इसमें मटर ऐड कर देनी है। और अब इस मटर को हमें 2-3 मिनट के लिए, मटर को अभी 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, इसमें 1/4 कप के बराबर पानी डाल दिया है। अब ढक करके इसको पकने देंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे, जैसे ये मटर जो है जल्दी से पक जाए। मीडियम फ्लेम पर मैंने 2 से 3 मिनट इसे पका लिया है। यहाँ पर मटर काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर इसमें डाला है। एक बार अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम फ्राई किए हुए आलू और गोभी ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जब आप ये सब्जी बनाएंगे, तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल सब्जी जो शादियों पार्टियों में आप खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की सब्जी आपके बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसको ढक कर के पकाएंगे हम 3-4 मिनट के लिए, और पका लेंगे क्योंकि आलू को भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट करना है। तो मैंने 4 मिनट के लिए ढक कर के इसे लो मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। गोभी और आलू दोनों अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको एक बार इस तरीके से ऊपर नीचे करके मिक्स कर देंगे। गोभी थोड़ी सी गर्म होती है तो टूटती है, इसलिए हल्के हाथ से आपको इसे चलाना है। तो बस इसको 5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे और उसके बाद आप इसे डिश आउट कर सकते हैं। आप इसे पूरी, पराठे, नान या कुलचे के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की सब्जी बनती है। आप ये हलवाई स्टाइल गोभी आलू मटर की सब्जी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।